फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर गार्गी। आज हम मसालेदार इडली बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और कितनी टेस्टी खाने में इडली तैयार हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है ऑलराउंडर गार्गी में। आज हम नाश्ते में बनाने जा रहे हैं फ्राइड इडली। तो उसके लिए मैंने पहले से इडली तैयार कर ली थी और इडली लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए इडली बनी हुई पहले से ही। और अगर आपने सपोज रात में इडली बनाई है, उसका बैटर बच गया है, तो आप सुबह उसको यूज कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए हरी मिर्ची, और मैंने ले लिया है पत्ता गोभी और गाजर का कद्दूकस करके एक मिक्सर बना लिया है। ठीक है, अब मैं इन इडलियों को काट लूंगी और काट के इसी बोल में रख दूंगी। इस तरीके से सारी इडलियों को काट लेंगे। मैं इडली की भी रेसिपी आपसे जल्दी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि आज मेरे पास पत्ता गोभी भी थी और गाजर भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने सारी इडलियां काट ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में, क्योंकि मेरा सांचा जो है वो गोल है, तो इस तरीके से बहुत अच्छी डिजाइन आती है। आप किसी भी फॉर्म में काट सकते हैं इन्हें, और छोटा काटना चाहे तो छोटा काट सकते हैं, लेकिन इतना मेरे ख्याल से रहना चाहिए जिससे अच्छे से इनका फ्लेवर आएगा फिर बाद में। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, इडली चाहिए, और मटेरियल में हमें पत्ता गोभी को बहुत बारीक कस लिया है, पत्ता गोभी और गाजर को, और हरी मिर्ची काट ली है बारीक। अब बस हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये कढ़ाई हमने ले ली है, अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। सूख चुकी है कढ़ाई, दो बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स ज्यादा हैं तो उनको भी फ्राई करना है हमें। कढ़ाई को अच्छे से चिकना कर लीजिएगा सबसे पहले। कढ़ाई को अच्छे से चिकना कर लेंगे हम, जिससे इडली चिपके ना। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हींग, हींग डाल दी है हमने। अब इसमें हम राई डालेंगे।
राई को चटकने दीजिए। जैसे ही राई चटक लेगी तो हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची। पहले हरी मिर्ची को भूनेंगे। और अब हम बाकी के मसाले डालेंगे, हल्दी। आपको अगर वाइट बनानी है तो आप हल्दी को स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसमें पत्ता गोभी और गाजर का जो हमने कद्दूकस करके रख लिया था उसको डालेंगे, भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें नमक और डालेगा। पत्ता गोभी और गाजर थोड़े से हमारे कच्चे ना लगे इसलिए इसको अच्छे से भूनेंगे पहले स्लो गैस पर। इसको हल्का सा गला लेंगे, ये अच्छे से गल जाए इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जितना नमक हमें इसमें डालना है। मैंने इडली में जब बनाई थी तब उसमें भी नमक डाला था इसलिए नमक स्वाद अनुसार कम ही डालेंगे हम इसमें। इसको थोड़ा सा स्लो गैस पे छोड़ देंगे। ढक देंगे थोड़ा देर के लिए। दो मिनट हो गए हैं, तो हम इसको हटा के देख लेते हैं। सब्जियों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और ये हो भी गई है अच्छे से। मैंने थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दी थी क्योंकि कढ़ाई अपने आप में काफी गर्म थी। अब हम इसमें इडली डाल देंगे और नमक हम पहले से ही डाल चुके हैं तो नमक नहीं डालना है अब, और इनको मिक्स करेंगे। इसमें बस लास्ट में हम अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर चम्मच से मत डालिएगा, थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए हाथ से डालिएगा जिससे कि सारी इडलियों पर इवनली आए, नहीं तो कुछ में स्टिक होके रह जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा स्वाद के लिए अमचूर पाउडर डाला है। बस अब हम इसको चला लेंगे। अगर आपके पास धनिया है फ्रेश तो आप इसमें धनिया पत्ती काट के डाल सकते हैं। और अगर आपके पास पत्ता गोभी गाजर सब्जियां ना हो तो आप हरी मिर्ची डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। हमारी इडली तैयार है फ्राई, इनको थोड़ी देर इसमें ही रखा रहने दीजिए।
जिससे ये मसाले इसके अंदर अच्छे से आ जाए, इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। इसको बंद करके ढके रखेंगे।